नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, सी टेट के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन की वीडियो जो है पहले से चैनल पर अपलोड है, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल को सर्च करके सी टेट ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके बुद्ध फुल पेमेंट प्रोसेस विद ऑनलाइन की आपको वीडियो मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में एक खास बात हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जिन कैंडिडेट्स की फीस पेंडिंग है तो उनकी सीट जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इस वीडियो में समझते हैं, और आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन है उसको समझते हैं कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम सेंटर चूज कर रखा है, पहले क्या हुआ था कि पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू हुई थी, इस बार भी वही सिस्टम है, पहले आओ पहले पाओ। एक ही एग्जाम सेंटर है, यदि आप समय से नहीं भरेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर मनपसंद नहीं मिल पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपका फॉर्म पेंडिंग है, आपने सही समय से सबमिट नहीं किया, तो आपकी जो एग्जाम सीट है यानी जो टोटल वैकेंट सीट है, यहाँ जीरो हो जाएगी और आपको अपना मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाएगा। फीस पेंडिंग है, अपडेट नहीं हो पाई है, फीस कट गई है, कटने का सक्सेसफुल मैसेज आ गया है, तो 24 से 48 आवर्स तक आप वेट कर सकते हैं, दोबारा से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, रिफंड के लिए अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जल्दी समस्या आपकी सॉल्व हो जाए उसके लिए आपको तुरंत कस्टमर केयर को ईमेल करना है, कॉल करना है, जिससे कि समय से पहले आपकी फीस अपडेट हो सके और आपकी जो एग्जाम सेंटर है, जो एग्जाम सिटी है एग्जामिनेशन, वो जीरो ना हो पाए। इसका रीज़न हम एक छोटे से एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जो सुबह फॉर्म किया था तो वहाँ पर लगभग 11,000 से ऊपर टोटल वैकेंट सीट यहाँ पर शो हो रही थी, बट इस समय जो है 10,586 शो हो रही हैं, यानी कि सीटें माइनस हुई हैं। धीरे धीरे जैसे ही डेट नज़दीक आती जाएगी, सीटें माइनस होती जाएंगी और सीट जो है ज़ीरो हो जाएगी, और आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाएगा। आप जो अपने नज़दीकी सेंटर चाहते हैं उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर ही फॉर्म को फिल करना है। फीस पेमेंट यदि UPI से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है। कंप्यूटर पर जैसे फॉर्म कर रहे हैं तो बार कोड, जैसे QR कोड ओपन हुआ तो अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, अपने मोबाइल से UPI डालेंगे और पेमेंट को कर देंगे, ठीक है। कुछ ही सेकंड लगते हैं UPI से, QR कोड से स्कैन करके रीडायरेक्ट हो जाता है। डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, बट कंप्यूटर पर करें और रीडायरेक्ट होने में थोड़ा समय दीजिए, जिससे कि पेमेंट सक्सेसफुली हो सके और आपको समय से अपना एग्जाम सेंटर मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सीट मैंने आपको बता दिया कि 10,586 रहेंगी, सुबह जो 11,000 से ऊपर थी। ऐसे यहाँ पर कई एग्जाम सेंटर हैं तो आप इनमें से फिल कर सकते हैं और समय समय पर अपनी सीटों को चेक भी कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि फॉर्म यदि पेंडिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं कि पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि फीस अभी तक नहीं कटी है। मानता हूँ कि आपको फीस कट गई है, मैसेज भी आपके पास आ चुका है, बैलेंस अकाउंट भी आपने चेक कर लिया है, बट यहाँ पर एडिट और पे एग्जामिनेशन फीस का जब तक ऑप्शन आता रहेगा, तब तक आपने जो परीक्षा सेंटर भरा है, जो एग्जामिनेशन सिटी भरी है, वो माइनस होती चली जाएगी। यदि आपको यकीन ना हो तो जैसे मान लीजिए आपकी फीस आज कटी है, तो आप कल अपना एडिट वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, वहाँ चेक कर लेंगे, आपको माइनस किया हुआ मिलेगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, यदि आपकी फ़ीस कट गई है और अपडेट नहीं हुई है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका दिक्कत बढ़ सकती है। जिन्होंने फीस अभी सबमिट नहीं किया है, फीस नहीं कटी है, तो वो अपना एडिट करके चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फीस नहीं काटते, फॉर्म सबमिट करके छोड़ देते हैं, यानी कि यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, फीस नहीं उन्होंने काटी है, तो अब वो कुछ दिन बाद चेक करेंगे तो उनका सीट माइनस हो जाएगा। तो इसलिए उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि उस समय से सबमिट करें और अपना एग्जाम सेंटर लॉक करें, ठीक है। अब जिनका फीस कट गया है, अपडेट नहीं हो रहा, उनकी तो मजबूरी है, जब अपडेट होगी तभी वो आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा, तब तक हो सकता है सीट माइनस हो जाए, हो सकता है ज़ीरो हो जाए या ना हो। इसके लिए आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना होगा। इसके लिए आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, स्टेटस कैसे चेक करना है फ्रेंड्स। अब आप एडिट, अब फीस कट गई मान लीजिए,
अपडेट होने के लिए है, 24 से 48 घंटे भी हो रहे हैं और आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो ऐसा ना करिएगा। उसके लिए हम आपको तरीका बता देते हैं। बेस्ट तरीका है या तो आप पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करिए, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो रजिस्ट्रेशन है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर फीस पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना जो एग्जाम सिटी एग्जाम सेंटर की सीट के बारे में पता कर सकते हैं कितनी माइनस हुई। अभी मैंने आपको दिखाया था 10,586 लगभग था, सुबह 11,000 से ऊपर के लगभग था और अब 10,586 था, और अब अभी आप स्टेटस चेक करेंगे तो वो सीट फिर से माइनस होगी होगी, जबकि फीस अभी कटी नहीं है, कटी नहीं है या काटी नहीं है या पेंडिंग है, जो भी है। यदि इस प्रकार का स्टेटस एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्जामिनेशन फीस इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आपकी सीट जीरो होती चली जाएगी, जब तक डाउनलोड कंफर्मेशन का बटन आपको होम पेज पर देखने को नहीं मिलेगा सीट आपकी माइनस होती जाएगी। तो फ्रेंड्स सावधान हो जाइए, जागरूक रहिए, ईमेल करें हेल्पलाइन को, कॉल करें और अच्छे से पेमेंट करें, सिस्टम पर करें, मोबाइल से फॉर्म ना करें। तो चलिए यहाँ पर हम फीस पेमेंट पर क्लिक करके स्टेटस को देख लेते हैं कि फिर जो सीट है वो कितना यहाँ पर रह गया है। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड बने कॉर्नर पर जो फीस पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक किया या फिर पे एग्जामिनेशन फीस वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइव, फ्रेंड्स योर फील्ड एग्जाम सिटीज आगरा, आगरा जो फिल किया है मैंने उत्तर प्रदेश, टोटल वैकेंसी 10,570, जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था 10,586, 16 सीटें माइनस हो चुकी फ्रेंड्स 10,570। यदि ये कुछ दिन और पेंडिंग रहता है तो यहाँ पर धीरे धीरे सीटें और भी माइनस हो जाएंगी, हो सकता है कि कुछ दिन अगर हम ज़्यादा रुके रहे तो जीरो भी हो सकती है। इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एग्जाम सिटी का, वैकेंट सीट का, कि आपकी सीट कितनी रह गई हैं, जिनका फॉर्म पेंडिंग है, अपडेट नहीं हो पाया है, फीस कट गई है या फिर जिन्होंने फीस नहीं काटी है, तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं आपकी सीटें कितनी यहां पर रह गई हैं। इसी प्रकार आप किसी कोई भी एग्जाम सेंटर आपने भरा होगा तो आप यहां पर स्टेटस को आसानी से चेक कर पाएंगे। दोबारा पेमेंट आप इसलिए ना करें क्योंकि दोबारा फीस कट गई है आपकी, फीस आपकी ज़्यादा है और आप इसके लिए वेट ज़रूर करिएगा। भले ही एग्जाम सेंटर आपका ज़ीरो हो जाए बट आपको दूसरा भी एग्जाम सेंटर मिलने के चांसेस उसमें रहते हैं। किसी कारणवश यहाँ जो आप जो सीट स्टेटस चेक कर रहे हैं, किसी कारणवश दोबारा से फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर सीट मान लीजिए ज़ीरो हो गई है और आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उसके लिए आपको एक तरीका बता दें और उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, ये चीज़ लास्ट डेट के लिए लागू नहीं है, ना फिर आप कहें कि आपने सर बताया था वीडियो में ऐसा कर लेना, नहीं, ध्यान से समझ लीजिए, ये केवल तभी है लास्ट डेट के कम से कम 2 दिन पहले आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लास्ट डेट के कम से कम 1 या 2 दिन पहले ही आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे, यदि लास्ट डेट है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। तरीका ये है कि यहाँ पर सीट आपको जैसे ज़ीरो लग रही है तो आपको सीधा होम पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पे एग्जामिनेशन फीस एडिड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना एग्जाम सेंटर जो है आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको सीटें मिल जाएंगी और आपका मनपसंद सेंटर भी आपको मिल जाएगा। माना कि जो आपने भरा था वो नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप यहां से एडिट करके चेंज कर सकते हैं और अपना सेंटर भर के सबमिट करके फिर से इसी ऑप्शन पर आ जाएंगे और फिर से आप पे एग्जामिनेशन फीस को पे कर सकते हैं। जिनकी फीस नहीं कटी है उनके लिए ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, और जिनकी फीस कट चुकी है फ्रेंड्स वो तो जो सेंटर भरा है तो वो अपना चेंज ना करें, क्योंकि फीस अपडेट जब होगी ऑटोमेटिकली तो वो अपडेट हो जाएगी फ्रेंड्स, और इस चीज़ की जानकारी जो है आप हेल्पलाइन नंबर से लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ़ीस कटने के बाद, फीस कट गई है आपकी मान लीजिए, उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं सीट का, वहाँ ज़ीरो हो चुका है, फिर आप सोच रहे हैं कि हम एडिट कर लें और फिर आपसे वर्क सबमिट कर दें, नहीं फ्रेंड्स ऐसा मत करना, क्योंकि फ़ीस एक बार कट गई है तो वो अपडेट ज़रूर होगी, चाहे भले ही 2 दिन का टाइम लग जाए। रही सेंटर की बात तो हो सकता है आपको वही सेंटर जो आपने भरा था मिल जाए, बट उसके लिए और कोई सॉल्यूशन हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, और हो सके तो आप हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन ज़रूर कर लीजिए इस मामले में फ्रेंड्स।
फिलहाल उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी फीस नहीं कटी है, तो वो इस प्रकार की कंडीशन को जो मैंने बताया है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं, अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि जो पहले आओ पहले पाओ का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पहले से ऑनलाइन करेंगे तो आपको जो मनपसंद सेंटर है वो आपको मिल जाएगा और फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है तो बिल्कुल कन्फर्म ही आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए हो जाता है। तो पहले आओ पहले पाओ की नीति आप समझ गए होंगे, और फॉर्म यदि पेंडिंग है आपका तो सीट जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस चीज़ को भी हमने बता दिया। फ्रेंड्स, अपडेट यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।